और दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए मीत हुड्डा की, तो मीत हुड्डा इस समय थोड़ी चिंतित नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसी के ही आखिरकार घर में ऐसी चीज़ हो रही है, एक्टिविटी जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय दारू की फैक्ट्री स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि एक ओर तो मीत हुड्डा ने अपनी दवाई की फैक्ट्री स्टार्ट की है और एक और मीत हुड्डा के जो जेठ हैं वो यहाँ पर दारू की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। हालांकि मनमीत पहलवान ने बोला भी है, लेकिन किसी ने कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को हरी झंडी जो दी है वो किसी और ने नहीं बल्कि बापू सरकार ने बोल दिया है कि यहाँ पर दारू की फैक्ट्री बनेगी भी और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार बोले भी तो बोले क्या, क्योंकि दोस्तों सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं बापू सरकार से सभी लोग डरते हैं और बापू सरकार के खिलाफ जाने का किसी में इतना जोर भी नहीं है कि कोई बापू सरकार के खिलाफ भी चला जाए, क्योंकि दोस्तों बापू सरकार के खिलाफ जाने के लिए बहुत कुछ चीज़ फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन ये लोग बापू सरकार के खिलाफ ना जाते हुए भी अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नया रास्ता क्या अपना पाते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में एक बार फिर से नया ट्विस्ट मिलने जा रहा है दोस्तों, जहाँ आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा बोलती हुई नज़र आने वाली है कि यहाँ पर जो हो रहा है उससे हम सहमत बिल्कुल भी नहीं हैं। और वाकई में दोस्तों बात भी सही है मीत हुड्डा की, क्योंकि मीत हुड्डा अपने जो काम करती हैं वो एक अलग ही लेवल में करती हैं और मीत हुड्डा वाकई में एक अच्छी खासी बॉन्ड शेयर करने की कोशिश कर रही हैं। इधर बात की जाए तो मीत हुड्डा की जो बेटी है उसके साथ में मीत हुड्डा का पहला बेटा भी है, जी हाँ, उसे बचाने की लगातार कोशिशें करती हुई नज़र आ रही है ताकि किसी भी तरीका से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब ये घर वाले क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक वो जो लेडीज़ है बाहर से